इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बीवी गार्डन में आपका स्वागत है। और ये देखिए मेरे गार्डन में कितने ही अच्छे कॉक्सकॉम्ब के जो प्लांट हैं उन पर फूल खिले हुए हैं, वही मैं आज आपको दिखाऊँगी और ये बताऊँगी कि मैं इनको कैसे मैंने इनको ग्रो किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट इसका कलगी जिसको बोलते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत इसका फूल होता है। और एक पिंक और एक रेड कलर में मेरे पास हैं ये, और बीज से मैंने इनको ग्रो किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरे पास ये कॉक्सकॉम्ब के जो प्लांट है दो कलर्स में हैं, एक पिंक है और एक रेड है, एक बैरिकेटेड वाला एक देसी वाला है, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोनों और बहुत ईजी टू ग्रो हैं। क्यारी में मैंने इनको लगा रखा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है गार्डन इनकी वजह से। कॉक्सकॉम्ब जो प्लांट है सीख सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। इसको अगर गमले में आपने लगाना तो मिट्टी जो बल रहने हैं वही सही रहती है सभी प्लांट को, और पानी भी चाहिए इसको, पानी भी देना चाहिए। गमले में लगा क्यारी में लगाया तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो कैसी भी मिट्टी में और पानी एक दो दिन नहीं भी दोगे तो चलेगा, अगर गमले में लगाए तो फिर इसकी केयर करनी पड़ती है। और बीज से और कटिंग से दोनों से बहुत ही इजी टू ग्रो हो जाता है, और धूप भी चाहिए इसको तभी इसमें अच्छे फ्लावर हैं वो जो आते हैं। सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट, हाँ खूबसूरत लगता है दिखने में इसके, जैसे बेलीवेट जैसे इसके फूल होते हैं। और आपका गार्डन है जो रंगीन और कलरफुल लगेगा इसकी वजह से, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट, और ज़रूर लगाना चाहिए इसको अपने गार्डन में। बात करें इसके फर्टिलाइज़र की तो फर्टिलाइज़र महीने में एक बार तो इसको देना ही चाहिए, लीव कंपोस्ट, काउडंग, बर्मी कंपोस्ट जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, और उसकी वजह से इसमें और अच्छी फ्लावरिंग होगी और भी प्यारा लगेगा आपका गार्डन कॉक्सकॉम्ब की वजह से। और सर्दी में बहुत ही अच्छा प्लांट है ये सर। थैंक यू फ्रेंड्स, जरूर लगाइए इसको अपने घर में और अपने कलरफुल गार्डन को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।